हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेटेस्ट किटी पार्टी गेम्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा हैप्पी न्यू ईयर से रिलेटेड गेम लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि न्यू ईयर आने वाला है तो उसी से रिलेटेड मैं ये गेम लेकर आई हूँ। आप अपनी न्यू ईयर की पार्टी में, अपनी किटी पार्टी में अगर न्यू ईयर की थीम रख रहे हैं या कोई भी गेट टूगेदर कर रहे हैं न्यू ईयर पर, तो इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मजेदार सा ये गेम है। इस गेम की प्रिपरेशन मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंपल 3 ग्लासेस लेने हैं, डिस्पोजल ग्लास ले रखे हैं जिसपे मैंने हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है। और इस गेम को खेलने के लिए हमें एक डाइस और कुछ कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर चने या राजमा भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें वन बाय वन मेंबर आएगा, गेम को इंडिविजुअली खेलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है, आपकी पार्टी में इसे जरूर कराएं, बहुत ही मजा आएगा। सभी मेंबर्स इस गेम को एंजॉय करेंगे। तो जल्दी से मैं गेम का डेमो देके बताऊंगी गेम हमें कैसे खेलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्लासेस लिए थे। आपको 3 ग्लासेस लेने, वो भी सेम, बिल्कुल सेम होने चाहिए, ग्लासेस अलग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे उसको क्या करना है, जो होस्ट होगा इनको उल्टा करके रख देगा, जिसपे मैंने हैप्पी लिखा हुआ है एक पे न्यू और एक पे ईयर। ये यहाँ पे आपको मेंबर्स को बताना नहीं है कि हमने इसके पीछे हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है किस पे क्या है। आप पहले से इन्हें उल्टा करके रखेंगे, किसी मेंबर को आपको दिखाने नहीं है कि किसके नीचे क्या है। अगर आप वैसे एक बार दिखा सकते हैं कि ऐसे हमने हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इनको सीधा कर देना है। फिर आप थोड़ा सा इसको ऐसे शफल कर दीजिए इधर उधर। उसके बाद इस गेम को खेलने के लिए हमें एक डाइस और कुछ चने राजमा ले रखे हैं। ये मैं थोड़ा साइड से कर देती हूँ। अब इसमें आपको क्या करना है, हर मेंबर को देना है 30 सेकेंड्स का टाइम फ्रेम। आप फ्रेंड्स, आप पूरा गेम देखिएगा, इस गेम में एक ट्विस्ट भी है जो मैं आपको गेम खेलते में ही बता दूंगी। जैसा कि हमारा ये, अब हमने जो होस्ट मेंबर गेम खेल रहा है उसके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। मैं थोड़ा सा ग्लासेस को इधर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, उसने डाइस रोल किया, उसका आया 4, तो वो कुछ भी 4 चीजें लेके किसी भी ग्लास में डाल देगा। फिर उसने चला, उसका आया 3, और कोई भी किसी भी ग्लास में डाल सकता है, लेकिन पूरा डालना पड़ेगा जो उसमें डाइस में नंबर आया है। अब मेरा 4 आया, मैंने इसमें डाल दिया। अब मेरा 6 आया, 1 2 3 4 5 6 मैंने लिया, मैंने इसमें डाल दिया। अब मेरा 4 आया है, 1 2 3 और 4। मेरा 3 आया है फ्रेंड्स, 1 2 3। वो मेंबर का मन है, वो किसी में भी डाल सकता है, लेकिन 1 2 3 4, लेकिन उसे 30 सेकेंड्स तक ही डाइस रोल ऑन करना है और उसे डालते जाना है 4। फिर उसका आया 1, उसने इसमें डाला। फिर उसका आया 2, फिर उसने इसमें डाला। अभी मेरे 30 सेकेंड्स कंप्लीट नहीं हुए, होने वाले हैं। मेरा 3 आ गया है, तो मैं जल्दी से 3 चने या राजमा कुछ भी इसमें डाल दूंगी। मेरा आया 1, मेरा आया 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा टाइम हो गया है स्टॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सब में कुछ कुछ डाला है। अब हमारी आई ट्विस्ट की बारी, जो मैं आपको बता रही थी कि इस गेम में एक ट्विस्ट है। अब आपको क्या करना है कि मेंबर से बोलना है कि उसे डाइस रोल ऑन करना है। अब जैसे उसने डाइस रोल ऑन किया, उसका आया 6, तो हमारा 6 इसमें वैलिड नहीं है, उसे दोबारा से डाइस रोल ऑन करना पड़ेगा। उसका आया 3, तो 3 है इसमें हमारा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने हर ग्लास के नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने एक के नीचे लिखा हुआ था, ये मेरा है ईयर, ये मेरा है न्यू, और ये मेरा है हैप्पी। तो अब मेरा आया 3, तो 3 वाला हमारा होता है न्यू। तो ये वाला जो देखिए आप 3, इसके नीचे मेरा न्यू लिखा हुआ है, तो इसके मैं चने और राजमा काउंट कर लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो 11 12 13, तो मेरे नाम के आगे 13 पॉइंट्स लिख दिया जाएगा। अगर किसी मेंबर का 5 आता तो 5 हमारा होता है हैप्पी, तो हम इसके काउंट करते। अगर किसी मेंबर का 4 आता तो उसके होते ईयर के काउंट। मतलब 5 लेटर्स का तो ये हो गया हैप्पी, 4 का ये हो गया, 3 का ये हो गया। अगर और कोई भी नंबर आएगा तो उसे दोबारा डाइस रोल करने का मौका मिलेगा। जैसे उसका 1 2 या 6 आया तो वो दोबारा से डाइस रोल करेगा। जब तक इसका 5 4 या 3 में से कोई नंबर नहीं आ जाता, तब तक उसे डाइस रोल करना है। जो भी नंबर आएगा उसी ग्लास की आपको काउंट करने हैं। तो जिस मेंबर के सबसे ज्यादा होंगे वो हमारा गेम का विनर होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।